जालसाजी करने वाले छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छात्र फॉर्म बनाकर जीएसटी विभाग से हजारों करोड़ का रिफंड ले चुके हैं। छात्रों ने 1660 फर्जी फॉर्म तैयार की थी और इनके कब्जे से 12,66,000 की नकदी, 32 मोबाइल, 25 कंप्यूटर, लैपटॉप समेत कई फर्जी आधार कार्ड और 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से लोग काम कर रहे थे? देखिए, थाना सेक्टर 20 में मई के महीने में एक आइडेंटिटी फ्रॉड का मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें फर्जी तौर पर किसी के पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने पर पाया गया कि ये एक गैंग है जो काम करता है। ये लोगों के 6,35,000 से ऊपर के पैन कार्ड का इनके पास डेटा उपलब्ध है और उसमें ये फोटो मॉर्फ करके फर्जी पैन कार्ड जनरेट करके कंपनियों का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद ओरिजिनल जीएसटी का पिन इसमें जनरेट करवाते हैं और इस जीएसटी नंबरों के माध्यम से फर्जी ई वे बिल के माध्यम से पैसा जीएसटी क्रेडिट जनरेट करवाने के बाद उसको कंपनियों से मोनेटाइज करवाते हैं। मैम, इनके गैंग के साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितनी कंपनियों को खुलासा हुआ है अभी? अब तक 8 लोगों को हम लोग पकड़ चुके हैं। 2260 से ऊपर की कंपनियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन इस गैंग के माध्यम से पाया गया है। टेरर फंडिंग से भी जुड़ा देख सकते हैं इसको? अभी हम सब एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है, मनी लॉन्ड्रिंग की के कुछ एविडेंसेस भी पाए गए हैं और कंपनियों में फर्जी जीएसटी के मोनेटाइजेशन की भी शिकायतें हैं। इसलिए जीएसटी हेडक्वार्टर्स को भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी और बाकी सेंट्रल एजेंसीज को भी हम नोटिफाई कर रहे हैं। कितने दिनों से ये काम कर रहे थे और कितने का करीब कर चुके होंगे अभी तक घोटाला? देखिए, ये तो पूरा मनी ट्रेल पकड़ने के बाद ही हम कह पाएंगे, लेकिन कंजर्वेटिव अमाउंट पर लगभग 1,000 करोड़ का जीएसटी का ये फर्जी जनरेशन हर मंथ कर रहे थे। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 2200 से अधिक कंपनियों का डेटा इनके कंप्यूटर्स में उपलब्ध पाया गया है। धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नोएडा पुलिस कमिश्नर थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये लोग इस गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। लव जिहाद की ही तरह एक नया जिहाद